हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडोप चैनल में आप लोग का दोस्त और चैनल का उस प्रांत। दोस्तों, जीटीए ट्रायलॉजी को लेकर के एक बहुत ही कमाल की और बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है। उस न्यूज़ में बताया गया है कि ये जो ट्रायलॉजी है दोस्तों, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर खेलने के लिए मिलने वाला है। अब ये जो न्यूज़ आई है दोस्तों, ये पूरी डिटेल के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी है यार, फायदे में जरूर से रहोगे। एक दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो के लाइक्स और डिसलाइक देखने के, इस पर कितने लाइक्स और कितने डिसलाइक है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, वहां पे आपको बता दूंगा। और व्हाट्सएप पे भी अगर आप लोग आओगे ना तो वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होता रहता है, क्योंकि आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हो और मेरे को जितना टाइम मिलता है इतने पॉसिबल होता है मैं आपके डाउट देखकर उसको फिक्स कर देता हूँ, जिसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन होती नहीं है। इस वजह से व्हाट्सएप भी अगर आप लोग आओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लेकर के न्यूज़ निकल करके आई है इस जीटीए ट्रायलॉजी के बारे में, उसमें पूरी जो डिटेल है वो आप लोग अच्छी तरीके से अब ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों देखो, ये जो न्यूज़ निकल करके आई है ना, इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि ट्रायलॉजी जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में जब आप लोग इसको खेलना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको खेलने के लिए मिलने वाला है GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन। और इसी GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन को खेलते खेलते आप लोग पहुंचोगे GTA San Andreas के अंदर। फिर पूरा GTA San Andreas आपको खेलने के लिए मिलेगा और फिर जब वो गेम ख़त्म होगा तो उसके बाद में आप लोग पहुँचोगे GTA 3 के अंदर, और GTA 3 लास्ट होगा। पूरा जो गेम का एंड होगा ना वो GTA 3 पर होगा, मतलब GTA Vice City से गेम शुरू होगा और एंड में जाकर के GTA 3 के ऊपर गेम खत्म होगा। पूरा यहाँ पे आप लोग को ये बड़ा गेम मिल सकता है, इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले GTA Vice City, फिर GTA San Andreas में जाएंगे, फिर जाएंगे GTA 3 के अंदर। तो ये दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है यहाँ पे। अब देखो, ये न्यूज़ सुन करके जो ना आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ में तो आया नहीं होगा, मैं आपको एकदम डिटेल के अंदर समझाता हूँ अभी। देखो, इस न्यूज़ के मुताबिक तो यार ये कहा गया है कि ये जो डेफिनेटिव एडिशन होने वाला है, मतलब GTA ट्रायलॉजी, ये पूरा के पूरा एक गेम है। पहले आप लोग जब इसको परचेस करके ओपन करोगे तो पहले आपको पूरा वाइस सिटी में जितना भी जो भी है मिशन वगैरह, जो भी आपको खेलना वगैरह है, सब लोग आप जो है वो उसको खेल सकते हो। फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे आप लोग GTA San Andreas के अंदर, उसको भी पूरा यहाँ पे जो है वो एंजॉय करेंगे मिशन वगैरह सब कुछ करने के बाद में, उसके बाद जाएंगे GTA 3 के अंदर। तो मतलब ये पूरा जो है ना एक साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि ये गेम होने वाला है, अलग अलग शायद से ये गेम नहीं होगा। मतलब GTA Vice City अलग, GTA San Andreas अलग और अपना GTA 3 अलग, ऐसा ये न्यूज़ के मुताबिक बताया हुआ नहीं गया है यहाँ पे। तो अब देखने वाली बात होगी यार यहाँ पे कि ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ये बता रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये न्यूज़ कितनी सही होती है या फिर गलत होती है, ये गेम लॉन्च होने के बाद में अपने को कन्फर्म पता चलेगा। देखो, रॉकस्टार ने तो यहाँ पे ऐसा कुछ कन्फर्म बताया नहीं अपने को कि ऐसा होने वाला है असली के अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दोस्तों बड़ी और अच्छी भी न्यूज़ है एक तरीके से, क्योंकि मज़ा इसमें फिर अपने को थोड़ा और ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। और परचेज अपने को सिर्फ एक ही बार करना पड़ सकेगा फिर, क्योंकि अलग अलग अगर गेम आ गए तो फिर तो यार आपको तीनों ही गेम्स की प्राइस अलग अलग हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा करके अगर ऐसा हो गया क्रोनोलॉजिकल, हालांकि देखो रॉकस्टार ने तो यहाँ पे सिर्फ बताया हुआ है कि जो ट्रायलॉजी की प्राइस है वो पीसी के लिए 5000 की, तो ज़्यादा करके मेरे को भी लग रहा है कि ये जो न्यूज़ आई है ना ये सही होगी, ऐसा ही पूरा गेम अपने को देखने के लिए मिलने वाला है यार। तो इसी वजह से 5000 रुपये के अंदर ये तीनों ही एडिशन आपको खेलने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो न्यूज़ निकल करके आई थी दोस्तों, इसमें आपको पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे बता दिया। अब लॉन्च होने का वेट करते हैं, 11 नवंबर के बाद में अपने को पता चल जाएगा कैसा होगा ये पूरा गेम, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना आप लोगों से, कि अभी ये वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जरूर से देखना हमारे चैनल के ऊपर। आप लोग GTA ट्रायलॉजी से रिलेटेड ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, उसमें जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि 11 नवंबर को तो जो गेम लॉन्च होगा ये ट्रायलॉजी, लॉन्च होने के बाद में आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा, कहां से इस गेम को डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस करना है, सब कुछ ये गेम में मतलब जो भी है इस गेम के बारे में लेटेस्ट डिटेल्स वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो इस अब जो है ना ये वीडियो को ख़त्म होते से ही आप लोग अपना जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो ज़रूर से देखो। अगर अपलोड नहीं हुआ है अभी तक के चैनल के ऊपर तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के अंदर मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करने वाला, तो इस वजह से वो वीडियो ज़रूर से आप लोग देखना, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर तो इतना ही रखते हैं, वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा जल्दी से कर दो।